अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ फोर ऑपरेशंस। सब जानते हैं कि मैथ्स में फोर ऑपरेशंस क्या हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और हम सब इनके साइन से भी बखूबी वाकिफ हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। वी हैव सम एग्जांपल्स। 4 + 2 इजीली वी नो दिस इज 6। 4 × 2, 4 × 2 = 8। 3 / 6, 3 × 2 = 6। 6 − 4 = 2। ये सवाल तो हम बसानी हल कर सकते हैं, बट यही सारे ऑपरेशंस अगर हमें एक एक्सप्रेशन में मिले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ्स का एक रूल है जिस रूल के तहत हम इस किस्म के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, और अक्सर लोग जैसे ऑपरेशंस चलते रहते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैथ्स में इसका रूल डिफरेंट है। हमेशा जो सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है वो है एडिशन। हमेशा याद रखें, जो सबसे पहले हम नंबर्स ऑपरेट करते हैं वो होते हैं डिवीजन, उसके बाद जो ऑपरेशन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और नंबर लास्ट पे आएगा सब्ट्रैक्शन। DMAS इसको कॉमनली हम डमैस से याद रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू सॉल्व डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट पे एडिशन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने जो हमारे पास रूल है द मैथ, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। 4 / 2, 4 / 2 अगर हम रफ वक्त में करते हैं 2 × 2 = 4, इसका आंसर आ गया 2 + 3 × 2। इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 + 3 × 2 = 6। अब लास्ट पे है एडिशन, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 2 = 8। तो ये हमारा आंसर आएगा 8। लेकिन जैसे ऑपरेशंस दिए हुए हैं अगर हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्वाइट डिफरेंट आएगा। जैसे 4 / 2 = 2, उसके बाद + 3 × 2, अब और 3 और 2 को प्लस करेंगे, 3 + 2 = 5 × 2 = 10। 10 आंसर। सो हमारे आंसर्स डिफरेंट आते हैं, इसलिए मैथ्स में रूल बना है जिसके मुताबिक अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा राइट होता है, और ये रूल डमैस कहलाता है। नाउ वी हैव एन अदर एग्जांपल, 10 − 2 / 2 + 9। अब इसमें हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले देखना है डिवीजन को। हमारे पास डिवीजन का है, जी बिल्कुल है। अब हम इसको मार्क करेंगे, 10 एज इट इज़ लिखा जाएगा, माइनस का साइन यहीं आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 1 यहाँ आ गया, + 4। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। चूँकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद हमारे पास एडिशन, एडिशन है, बिल्कुल है। अब 1 + 4 ये ऐड हो रहे हैं, 4 + 1 = 5। अब सबसे एंड पे है सब्ट्रैक्शन, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 − 5 = 5। दिस इज़ आवर आंसर, एंड दिस रूल कैन हेल्प अस टू सॉल्व द एग्जैक्ट आंसर।